छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग कहानियों का मंत्रा मंत्रा। जमाना बदलने के साथ साथ अब लोगों के प्यार करने का तरीका भी बदल चुका है। पहले तो अक्सर शादी की अगली रात यानी सुहाग रात को ही पता चलता था कि हमारे नसीब में किसका प्यार लिखा है, मगर आज तो हर कोई अपनी लाइफ में रोज कोई ना कोई नया ही रोल प्ले कर रहा है। ऐसी ही एक कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं। आज की कहानी है एक मनचले नौजवान कुणाल की, जो एक सुबह सुबह उठकर देखता है कि वो अपने घर में नहीं, किसी अनजान घर में किसी अनजान बिस्तर पे लेटा हुआ है और तन पे केवल इज्जत बचाने वाला कपड़ा। कुणाल याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहां और ये किसका घर है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। बस सर में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है। वो अपने आप से कहता है, लगता है फिर नशे में कुछ गड़बड़ कर दी, इससे पहले कि इस घर का मालिक आए निकल लेता हूं यहां से। ये सोचकर कुणाल ने आहिस्ता से अपना ब्लैंकेट सरकाया और पलंग के नीचे पड़ी सिलवटों से भरी अपनी शर्ट पहनकर दबे पांव किसी चोर की तरह जाने की कोशिश की कि अचानक एक आवाज आई, जा रहे हो? कुणाल ने पलट कर देखा तो एक लड़की सामने खड़ी थी, घर के कपड़ों में टी शर्ट और शॉर्ट्स। कुणाल ने पलट कर कहा, नहीं नहीं कहीं नहीं जा रहा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अगर जा नहीं रहे तो फिर कहाँ जा रहे हो? कुणाल ने बड़बड़ाते हुए कहा, वॉशरूम, आई वॉज लुकिंग फॉर वॉशरूम। आगे से राइट, लड़की ने बताया। कुणाल एकदम नर्वसा गए, मतलब नर्वस हो गए और बड़बड़ाते हुए बोलने लगे, सो वॉशरूम इज आगे से राइट, वाओ दैट्स अमेजिंग, वॉशरूम शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट। कुणाल उस वक्त बेहद घबराया हुआ था और कुछ भी बड़बड़ा रहा था। अजी अब घबराता भी क्यों ना, कोई अगर अचानक सुबह सोकर उठे और उसे ये तक याद ना हो कि वो कहां है, किसके घर पे है, किसके साथ रात को था, तो घबराहट तो होगी। लड़की ने उसके हाव भाव को देखकर कहा, बाप रे इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, चल यार मैं खाने जाऊंगी तुम्हें। कुणाल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, एक्चुअली द रीजन वाई आई एम गेटिंग नर्वस इज आई डोंट रिमेम्बर। लड़की ने पूछा, यू डोंट रिमेम्बर वॉट? एनीथिंग, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। OMG, यादाश्त वादाश्त तो नहीं चलेगी ना तुम्हारी, मैं कौन हूँ मैं कहाँ हूँ टाइप्स? नहीं नहीं मेरी हालत इतनी भी खराब नहीं है, मुझे ये तो याद है कि मैं कौन हूँ बट कहाँ हूँ और तुम कौन हो ये याद नहीं। वॉट? सॉरी। कल रात हम पब गए थे, ये याद है या नहीं? हाँ ये मुझे याद है, और वहां पे मैंने ड्रिंक की थी ये भी याद है, एक्चुअली ड्रिंक करने के बाद का कुछ याद नहीं रहता। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है, लाइक कुछ भी? लिसन आई एम सॉरी, लेकिन कल रात हम दोनों के बीच कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। लड़की ने अपनी ड्रेस ठीक करते हुए कहा, क्या तुम्हें इस बेड की हालत देखकर ये अंदाजा नहीं लग रहा कि क्या हुआ है यहाँ कल रात? कुणाल एकदम से हड़बड़ाकर माफी मांगने लगा, लुक आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। यू आर सॉरी? आई थॉट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन अस, आई फेल्ट अ स्पार्क बिटवीन अस एंड यू आर फकिंग सॉरी? कुणाल ने घबराकर कहा, ओके ओके नहीं नहीं आई एम नॉट सॉरी। लड़की और ज्यादा गुस्से से चिल्लाई, यू हैड सेक्स विद मी लास्ट नाइट व्हिच यू डोंट इवन रिमेंबर एंड नाउ यू आर नॉट इवन सॉरी। किसी छोटे बच्चे की तरह एक भोली सी शक्ल लिए कुणाल ने मासूमियत से कहा, कहा तो था सॉरी लेकिन तुमने डांट दिया और अब मैंने कहा आई एम नॉट सॉरी तो फिर से तुम डांट रही हो, कंफ्यूज क्यों कर रही हो यार मुझे। लड़की कुछ देर तो चुप रही, एकदम चुप, फिर एकदम से हंसते हुए बोली, ओ बेबी यू सच अ क्यूटी पाई। कुणाल ने फिर से पूछा, वैसे कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? लड़की ने बताना शुरू किया।
कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पब गई थी। अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए काउंटर पे खड़ी थी और मेरे फ्रेंड्स डांस फ्लोर पर थे। तभी कुणाल ने एक्साइटेड होकर कहा, हाँ हाँ याद है, वहीं तो देखा था मैंने तुम्हें पहली बार। मैं तुम्हारे पास आया और मैंने पूछा, हाय एक्सक्यूज मी लिसन मे आई बाय यू अ ड्रिंक। एग्जैक्टली एंड आई सेड श्योर व्हाई नॉट। फिर तुमने हम दोनों के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर किए। क्या? तुमने हम दोनों के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर किए और हम दोनों बातें करने लगे। व्हाट? क्या बातें? तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे पूछा। क्या पूछा? तुमने पूछा कि इटालियन या चाइनीज। और तुमने क्या जवाब दिया? और मैंने कहा पानी पूरी। व्हाट? नो You actually asked me, do you believe in love at first sight or should I walk by again? हाँ, ये तो मेरी regular pickup line है, जो मैं हर लड़की से... हर लड़की? I mean, हर सुंदर लड़की से। अच्छा, फिर क्या हुआ था हमारे बीच? बस, फिर क्या? तुम पैक पे पैक पीते चले गए और घटिया से घटिया one-liner सुनाते चले गए। Oh, come on, मेरे one-liners अगर इतने घटिया होते, तो मैं यहाँ तुम्हारे घर में नहीं होता ना? लड़की मुस्कुराई और उसने कुणाल से कहा, ब्रेकफास्ट करोगे? कुणाल ने अपने बचे हुए कपड़े पहनते हुए कहा, नहीं नहीं अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? ओ, मुझे लगा था तुम्हें वॉशरूम जाना था। हाँ, पहले वॉशरूम जाऊंगा और फिर अपने घर। लड़की ने फ्रिज से दही निकालते हुए पूछा, आलू पराठा खाओगे? कुणाल ने कहा, ठीक है, अब भला आलू पराठा को कौन मना कर सकता है, है ना? लड़की किचन में गई और आलू छीलना शुरू किया कि तभी कुणाल ने किचन में आकर पूछा, सुनो, मैंने तुम्हारा नाम तो अब तक पूछा ही नहीं। पूछा तो था कल रात, तो अब तुम्हें मेरा नाम तक याद नहीं? अरे जनाब, मैं अपनी पूरी रात यहाँ बिताकर ये भूल सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, तो नाम क्या चीज है? फिर से बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? मनीषा। मनीषा, नाइस नेम बाय द वे। जानती हूँ, कल भी तुमने यही कहा था। हाय, आई एम कुणाल। हाँ बाबा, आई नो, मैं ड्रिंक करके चीजें नहीं भूलती। बातों ही बातों में मनीषा का आलू पराठा बन गया। एक ही प्लेट में दो पराठे और दही डालकर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कुणाल ने पहला निवाला अपने मुंह में डाला ही था कि मनीषा पूछ बैठी, तो अब आगे का क्या सोचा है? कुणाल की तो मानो जान निकल गई। वो निवाला जो उसके मुंह में था गले में ही अटक गया। खांसने लगा और वहां रखे पानी का गिलास पीते हुए बोला, आगे का मतलब? मनीषा ने ऑब्वियसली टोन में कहा, अरे आगे का मतलब हमारे फ्यूचर का, इस रिलेशनशिप का। कुणाल ने घबराकर पूछा, रिलेशनशिप? हाँ बाबा, रिलेशनशिप। कुणाल के पास कुछ था नहीं कहने को। सर्दी के मौसम में भी कुणाल के माथे पर आया पसीना इस बात का सबूत था कि वो कितना डरा हुआ था। उसने कहा, लिसन, आई डोंट रिमेम्बर मैंने कल तुम्हें बताया था या नहीं, बट आई एम ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। ये सुनते ही लड़की ने पराठे का अपना निवाला नीचे रख दिया और कुणाल को घूरने लगी। कुणाल ने लड़की के गुस्से को देखते हुए कहा, लुक, आई एम रियली सॉरी, बट अभी मुझे जाना होगा, हमारे बीच इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। कुणाल उठकर मेन डोर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मनीषा ने गुस्से से कहा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं भाग सकते, और हाँ, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। कुणाल की डर के मारे सांसें फूलने लगी, वो बुरी तरीके से डरा हुआ था। कुणाल ने समझाते हुए कहा, सुनो, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, आई एम ऑलरेडी मैरिड। ये सुनकर कुछ देर तो मनीषा खामोश रही और फिर अचानक, अगर तुम मैरिड हो तो ये तो और भी अच्छी बात है, मैं भी मैरिड हूँ। मेरे हस्बैंड दिल्ली गए हैं बिजनेस मीटिंग के लिए,
यू नो व्हाट, मैरिड लाइफ रियली सक्स, आई वांट टू स्पाइस थिंग्स अप, इसलिए तो पब गई थी। मैं तो ये सोचकर डर रही थी कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं मैरिड हूँ तब तुम क्या सोचोगे, बट आई गेस नाउ वी आर कूल, वी बोथ आर इक्वली गिल्टी। कुणाल अब भी डरा हुआ था, वो ये सब खत्म करना चाहता था। उसने कहा, लिसन, कांट वी जस्ट एंड इट हियर, प्लीज, आई रियली लव माय वाइफ। कुणाल खड़ा होकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा कि तभी मनीषा ने डाइनिंग टेबल पर रखी नाइफ उठा ली और अपनी कलाइयों पर रखकर बोली, देखो अगर तुम मुझे छोड़ कर गए तो मैं अपनी नस काट लूंगी, फिर तुम ही होगे मेरी मौत के जिम्मेदार। कुणाल एकदम से चिल्लाया, हे, वेट 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 श्रुति, व्हाट आर यू डूइंग, कीप इट डाउन। लड़की ने नाइफ नीचे रख दी और दोनों हंसने लगे। कुणाल ने कहा, यार अब खत्म भी करो तुम्हारा ये रोल प्ले, मुझे और नहीं खेलना। अरे कहीं खेल खेल में सच में नस वस कट गई तो? श्रुति ने हंसते हुए कहा, ओके ओके बाबा, लेकिन कितनी ओवर एक्टिंग करते हो यार तुम, रोल प्ले में भी अफेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ, ये कहना जरूरी था क्या कि तुम अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो? कुणाल ने ब्लश करते हुए कहा, अब करता हूं तो करता हूं। श्रुति ने कुणाल को कस के हग करते हुए कहा, ओह माय बेबी, आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, आई लव यू ढेर सारा। नेक्स्ट टाइम हम कोई और इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेंगे, कुछ नया। कुणाल ने कुछ सोचा और कहा, ऐसा करेंगे, मैं एक स्टोरी टेलर बनकर तुम्हें किसी रैंडम कपल की लव स्टोरी सुनाऊंगा और वो सुनकर तुम मुझ पे फिदा हो जाना। दोनों ने बातें करते करते टेबल पर रखा अपना पराठा फिनिश किया और निकल पड़े नए रोल्स प्ले करने। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.